हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 आपकी वैकेंसी कितने इंक्रीज होंगे? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल आपकी सिर्फ 25,271 वैकेंसी के ऊपर आपके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर काफी सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं सीआरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर और एसएसबी में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। इसके बाद में आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट्स आए कि यहां पर कितनी वैकेंसी अब और इसमें भरने वाली है और फाइनल आपकी कितनी वैकेंसी पहुंचेंगी। दोस्तों, आज आपको वैकेंसी इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से देने वाला हूं। तो आपके मन में भी कोई डाउट है तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, दुरीना ऐप के ऊपर यहां पर स्वतंत्रता दिवस का स्पेशल ऑफर चल रहा है। अब आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सभी कोर्सेज पर आपको 17 अगस्त रात 12 बजे तक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दुरीना ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए सीआरपीएफ में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर तो ऐसे कुछ पोस्टर्स हैं कई अलग अलग जगह के, वो वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा यहां पर बात की जाए एसएसबी में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, तो इसमें टोटल 18,800 पोस्ट के लिए बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। तो यहां पर दोस्तों दो न्यूज हैं, एक सीआरपीएफ में वैकेंसी भरने के लिए और दूसरी एसएसबी में वैकेंसी भरने के लिए। तो दोस्तों, एसएसबी में यहां पर देखिए 18,800 वैकेंसी बताई गई हैं, लेकिन एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में 3800 वैकेंसी तो पहले से ही दी गई हैं। यानी एसएसबी में आपकी 15,000 वैकेंसी और भरने वाली हैं, इससे एक बात तो ये आ रही है। और सीआरपीएफ की बात की जाए तो सीआरपीएफ में लगभग 15,000 से 20,000 आपकी वैकेंसी और भर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए कई विद्यार्थी पूछ रहे थे टोटल कितनी वैकेंसी भरेंगी। दोस्तों, यहां पर देखिए ये जो फिलहाल आपकी 25,000 वैकेंसी हैं, ये भरकर आपकी 50,000 प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब ये दोस्तों वैकेंसी कब इंक्रीज होंगी? तो देखिए, फिलहाल तो आपके आवेदन चल रहे हैं, अब शायद से आवेदन के बीच में कोई चेंज नहीं होने वाला है वैकेंसी के अंदर। यहां पर आवेदन खत्म होने के बाद में दोबारा से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर चेंज करवा लिया जाएगा। और दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है वो कम से कम दो वैकेंसी, जैसे एसएसबी और सीआरपीएफ की हो गई, दोनों की मिलाएं तो 20-25,000 वैकेंसी आराम से भर जाएंगी। और दोस्तों, वैकेंसी आने से पहले भी ये बात तय थी कि 50,000 प्लस तो आपकी भर्ती होगी। और दोस्तों, फिलहाल 25,000 वैकेंसी जरूर है, लेकिन 20-25,000 इतनी ही वैकेंसी और इसमें ऐड हो जाएंगी सीआरपीएफ की और एसएसबी की। उसके बाद में टोटल आपकी भर्ती लगभग 54,000 से 55,000 पदों की हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप आराम से अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखें, वैकेंसी कोई टेंशन नहीं है, वैकेंसी भरना तो तय है। ठीक है, वैकेंसी आपकी जल्दी भर जाएंगी और बाद में आप उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर पाएंगे। शायद एसएससी आपको ऐसा मौका भी देगी, क्योंकि सीआरपीएफ में फिलहाल 0 वैकेंसी है। और अगर जैसे सीआरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेगी तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस तो चेंज करवानी ही पड़ेगी। फिलहाल आपको सिर्फ 6 ही पोस्ट यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर दी गई थी, एनआईए और सीआरपीएफ का यहां पर नाम ही नहीं था। तो इनकी वैकेंसी बढ़ते ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका भी एसएससी की तरफ से दे दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी अपडेट होगी ऑफिशियल अपडेट होगी, सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। यहां पर आपको बिल्कुल सही और सटीक इंफॉर्मेशन ही दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन को ऑन करते हैं तो हर न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।